पांच साल पहले अकेला अरविंद केजरीवाल खांसता था, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। बता रहा हूँ, दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रदूषण है। आज दिल्ली का मुख्यमंत्री 600 करोड़ रुपए का विज्ञापन देकर पराली पराली चिल्ला रहा है, और जो उसके अपने के काम थे वो सारा दोष वो पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर में डाल रहा है। मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है, ना उसका कोई इतिहास है, ना उसका कोई भविष्य है, वो एक दाव खेल रहा है। 600 करोड़ रुपए का विज्ञापन देकर एक दाव खेल रहा है। और डॉक्टर साहब, एक सेकेंड, बहुत ही शर्म की बात है कि हम सभी सांसद, ये दिल्ली भारत की राजधानी है, इसको अपने दिमाग में डाल लीजिए, ये दिल्ली भारत की राजधानी है, कैपिटल है, ये दिल्ली में आप सभी 365 दिन में से 200 दिन इस दिल्ली में रहते हैं। जो दिल्ली के सरकार का एकमात्र सांसद पंजाब का है, आम आदमी पार्टी का, आज एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर वो भी मौजूद नहीं है, ये भी बहुत शर्म की बात है। वरना मैं भगवान मान जी से पूछना चाहता था कि वो पराली के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, उनकी सोच क्या है। जब दिल्ली का मुख्यमंत्री बार बार कहता है कि पराली पंजाब में जलाई जा रही है, और उन क्षेत्रों में जलाई जा रही है जहां पर 24 विधायकों में से 19 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, जब उस क्षेत्र में पराली जलती है तो क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने आम आदमी पार्टी के विधायकों को यह कहता है कि वहां पे पराली ना जलाया जाए? जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी नाकामियों को छुपाते हुए पहले 4.5 साल वो बोलता रहा, मुझे प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे, मुझे दिल्ली का एलजी नहीं काम करने दे रहा, पिछले 6 महीनों में उसको सब काम करने दे रहे हैं, वो सारी चीजें मुफ्त में बांट रहा है। मगर आज जो उसने दिल्ली को दिया है कि 5 साल पहले अकेला अरविंद केजरीवाल खांसता था, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। आज अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दिया है नाम नहीं लेंगे, तो उसने दिल्ली को फ्री में पॉल्यूशन दिया है। अगर उसने दिल्ली को दिया है, नाम मत लेना, दिल्ली का मुख्यमंत्री पहले अकेला खांसता था, आज पूरे दिल्ली खांसती है और सारे सांसद भी खांसते हैं, वो डिलीट हो जाएगा। और कि अगर किसान हरियाणा में पंजाब में पराली जलाता है तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूरे साल याद आया कि वो वहां पर जाकर बात करे, वो वहां पर जाके किसानों से बात करे, वो वहां की जाके सरकारों से बात करे? क्या उसको ये होश आया कि वो हमारे प्रधानमंत्री से जाकर बात करे कि दिल्ली में प्रदूषण होगा? उसको ये होश नहीं था। ये इवन ऑड की स्कीम और 70 करोड़ रुपए का बजट इसके प्रचार के ऊपर इसलिए खर्च किया गया क्योंकि दिल्ली में चुनाव आने वाला है और वो दिल्ली के चुनाव में राजनीति कर रहा है।